गाइस, दिस इज सुजय एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछले पार्ट में आपको एक वन साइडेड लव स्टोरी सुनाई थी, जो वैसे थी तो किसी और की स्टोरी, पर मैंने अपने चैनल पर फीचर करी थी एज अ टेस्टिंग पर्पस कि ये चलेगी या नहीं। थैंक्स गॉड चल पड़ी, काफ़ी लोगों ने उससे रिलेट करा और काफ़ी ने तारीफ भी करी। सो मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका दूसरा पार्ट बनाता हूँ जिसमें मैं अपनी खुद की कहानी फीचर करूँ। ऐसी ये कहानी तो नहीं है, बस वही है जो कि मैं खुद फील करता हूँ इस चीज़ के लिए। आप एक तरह से बोल सकते हैं कि मेरे कुछ ऑनेस्ट व्यूज़ है इस चीज़ के लिए, और मैं खुद भी फील करता हूँ ये सब जो मेरी लाइफ में इस टाइम चल रहा है वो सब उस चीज़ के लिए। आई होप आप इससे भी रिलेट कर पाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आंखें रो रो के अब थक चुकी है, सीने में घुटन अब थम चुकी है, दिल में सवाल हजार है पर जवाब के नाम पर कुछ भी नहीं है। जैसे दुनिया को प्यार होता है वैसे ही मुझे भी हुआ, बेख्याली में उसके ख्यालों का एहसास मुझे भी हुआ। शुरुआत मेरी भी दोस्ती से हुई, बेस्ट फ्रेंड की गलियों से गुजर के इश्क के समंदर में हम भी जा गिरे, लेकिन मेरे नसीब में वो आई लव यू के बदले आई लव यू टू नहीं बल्कि कुछ और ही था। मैं बहुत कोशिश करता था इस बात को नज़रअंदाज करने की कि प्यार के बदले प्यार मिले ये ज़रूरी तो नहीं। सवाल है क्यों? जितने लोग बोलते हैं ना कि प्यार के बदले प्यार मिलना ज़रूरी नहीं होता, अरे प्यार में जब तक सामने वाला आपको अपना ना लेना तब तक आप दिल से खुश नहीं रह पाते, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, सारा ध्यान इसी पे रहता है कि आखिर क्यों क्यों वो आपको अपना नहीं सकते, मुझमें कोई कमी है क्या? नहीं, सच में कोई कमी है तो बताओ, मैं उसे ठीक करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है आखिर क्या वजह है मुझे ना अपनाने की। मैं कितना ही खुद को समझा लूँ कि शायद वो हमें डिजर्व नहीं करते, लेकिन सब बेमतलब लगता है। सुबह में आँख खुलने से लेकर शब से गुजरते हुए दिन ढलने तक हर एक एहसास उसका होता है, पर उसे लगता है मेरी मोहब्बत टाइम पास है। 3 साल से मैं टाइम पास कर रहा हूँ, 3 साल से मैंने हर एक दिन खुदा से उसे मांगा है, हर दिन उसे पूजा है, बातों में वो, ख्यालों में वो, दुआओं में वो, फिर आखिर क्यों लोग हमारे एफर्ट्स, हमारी केयर, हमारे प्यार को नज़रअंदाज कर देते हैं, अपना वक्त देने तक के लिए तरसा देते हैं? उन्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि हमारी सारी खुशियाँ उनसे जुड़ी है, मोहब्बत की किताब के सारे सवालों के जवाब वो है? एक बात तो है, एक तरफ है मोहब्बत दर्द बहुत देती है, एक इंसान को अंदर से तोड़ के रख देती है, जज्बातों को निचोड़ के रख देती है, दोस्ती भी छूट जाती है, परिवार भी छूट जाता है जब आपको एक तरफा प्यार होता है। सबसे दर्दनाक होता है प्यार का कभी मुकम्मल ना हो पाना। खैर, मेरी यही दुआ है, तुम जहाँ रहो, जिसके साथ रहो, खुश रहो। जब भी किसी इंसान में मोहब्बत को खोजने की कोशिश करोगे मेरी याद जरूर आएगी। सो अब मैं सीधे तुमसे बात करता हूँ। सो ये सब है जो मैं आजकल फील करता हूँ। आई होप तुम्हें थोड़ा समझ आया हो कि क्या मैं सोचता हूँ, क्या मैं ना सोचता हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे नहीं अच्छा लगता है। अगर समझ आया तो प्लीज इतने अपने माइंड में बैठा देना। बस यही सब है जो मैं फील करता हूँ आजकल, इससे ज्यादा क्या कहूँ, तुम्हें सब तो बता दिया। आई होप तुम समझ रहे हो। सो तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ, ऑलवेज बी हैप्पी।
आपको अच्छा लगे वो कर रहा हूँ, सदा खुश रहो। बाकी और लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ है, ऐसा चलता रहता है, कभी भी ये समझ के दिल छोटा मत करो। हाँ माना कि दिल टूटता है, पर कभी भी पीछे हटो मत, यहीं पर रुके मत रहो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, एक ना एक दिन जरूर मंजिल पे पहुंच ही जाओगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन। बाय।